हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, मैं हूँ वो जो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देन मैं क्लास 10 तक के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैं सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आपको पता चलेंगी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम आपसे इंट्रैक्शन है, तो थोड़ा सा मतलब नर्वस फील हो रहा है कि क्या बातें करनी है और क्या नहीं। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं अपने आप को, है ना, आपसे। सो माई नेम इज़ दिलशाद सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा नाम, सोनभद्र। मे भी शायद आपने सुना भी नहीं होगा। देखो, आपने अगर नहीं सुना है तो आप ये याद करो कि आपने कभी न्यूज़ में ये सुना था कि एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर सोने की पहाड़ मिली है। याद आया क्या? तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा गाँव है, मेरे गाँव का नाम है डाला, बहुत ही छोटा सा गाँव है, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हमेशा होती है, तो इस वजह से मैं कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। कई बच्चे ये बोलते हैं सर आज का वीडियो ये, तो जैसे कि आज अभी 2 दिन से, हाँ अभी 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए या फिर थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप कई बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर आप एक वीडियो बना लो अपने बारे में। मैंने कहा ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा सा ये मतलब ये जो वीडियो एडिटिंग का जो काम है वो फिनिश करके फ्री हुआ, तो सोचा चलो एक बना ही लेते हैं। तो या इट नहीं, तो देखो मैं 2016 का पास आउट हूँ। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और कानपुर AKTU यूनिवर्सिटी से। और मैं 2016 का पास आउट हूँ, ओके। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब करना नहीं उचित समझा, ठीक है। मेरे को वो मैं काफ़ी बचपन से ही मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। जैसे UPSC की फिर मैं तैयारी करने की सोचा था, उसकी तैयारी मैं किया भी था, बट फिर बीच में छोड़ना पड़ा। काफ़ी से कई कई सारे ऐसे रीजंस आते हैं लाइफ में, जो कई सारी चीज़ों को आप एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हो ना। तो लाइफ विथ टर्म्स एंड कंडीशन, ओके, हमेशा ये बात आप याद रखना, टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा लाइफ में अप्लाई होती है। ये बात मेरे को समझ में आई। तो बट फिलहाल अभी भी तैयारी चलती है, बट उसके साथ साथ ये जो कोचिंग फिर पढ़ाने का मैंने काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि लाइफ की कंडीशन हर समय एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं सारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, लगभग 10th तक के बच्चों को, फिर 11th और 12th तक के बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता था बच्चे से, हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हो। फिर ये वही आप सभी जान ही रहे हो, फिर लॉकडाउन का सीन आ गया, तो सारी की सारी कोचिंग से बंद करनी पड़ी। और वो अलग मैटर है, वो तो मतलब पिछले 3 महीने को अगर याद भी करते हैं तो मतलब बहुत अजीब लगता है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे मेरे बारे में। और बेसिकली देखो, आपके लिए एक छोटी सी प्लानिंग है ना। तो कई बच्चे पूछ रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग, वो मतलब कंसर्न थे कि सर आप सिलेबस ख़त्म करा पाओगे या नहीं। तो बेशक बच्चे मैं ख़त्म करा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो सिलेबस का। फिजिक्स देखो मैं लास्ट नवंबर तक फिनिश करूंगा, और केमिस्ट्री में शायद 1 महीने का थोड़ा सा और समय लगे। देखो क्या है ना, मेरा जो पोटेंशियल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मेरा अगर एक फ्लो बनता है ना, तो उस फ्लो में मैं सारे सारे चैप्टर देखो ख़त्म कराता जाऊँगा। और आप फिर बस कहोगे सर आप बस कीजिए, इतनी जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप मैथ की टेंशन मत लेना, मैथ की तो एकदम ही टेंशन लेना है, ठीक है। मैथ तो बहुत ही मतलब आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे ख्याल से मैथ पढ़ने में, ठीक है। नहीं अगर आप पढ़ रहे हो मेरे से तो आप क्या करके मैथ पढ़ करके देखो कितना आसान है, 12th का मैथ बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये रही बात सिलेबस के रिगार्डिंग। और अगर बात करें, क्या बात करनी थी, हाँ एक आपके लिए प्लानिंग है। देखो सबसे पहले चीज़, कई बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाई क्या कैसे करनी है और टेस्ट का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ओके। तो टेस्ट की देखो अगर हम बात करें आपसे, तो मेरे को पता है कि आप लोग अपना जो स्कूल का जो टेस्ट है ना वो कैसे देते हो, मेरे को पता है, ठीक है। तो वैसे नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं ये नहीं कहता, स्कूल वाले अगर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना बच्चे आपके साथ, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि देखो उनको फीस से मतलब है, ठीक है, उन्हें फीस से मतलब है। तो वो व्हाट्सएप पर ये भेजते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसे तो ना पढ़ाई होती है यार, आप भी जानते हो क्लास 12th में हो, ठीक है। वो चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे क्लास 10th में, चाहे जहाँ पर भी हो, ठीक है, इवन सारे बच्चे मेरे देख रहे होंगे ना। तो और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से मेरे लगभग 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी हो गए। मैंने देखो थोड़ी सी अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो मैंने वीडियो लगभग बनाना स्टार्ट किया था 2018 में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग में पता नहीं मेरे क्या क्या चलता था, तो उसमें मैं प्रिपरेशन भी करता था, ठीक है। तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होगे,
मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया आया कि किस तरीके से याद करना चाहिए नेशनल पार्क को, तो मैंने बनाया उससे रिगार्डिंग वीडियो। फिर मेरे को लगा यार इसमें कुछ स्कोप नहीं है, फिर नहीं सारी चीज़ें छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करनी है, फिर वो भी नहीं हो पाया, फिर कोचिंग स्टार्ट किया, फिर वीडियो बनाना भी फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर इधर लगभग मार्च मार्च 27 से, ठीक है, क्लास 10th वालों का फिर मैंने वीडियो बनाया, फिर आप बच्चे, फिर क्लास 12th वाले बच्चे फिर ज़्यादा बोलने लगे सर आप इसकी वीडियो डालो ये डालो, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं क्लास 12th के फिजिक्स की डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू क्लास 10th या फिर अदर क्लासेस के। ठीक है, तो फिर मैंने क्लास 12th के फिर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाने स्टार्ट किए। आप बच्चे अगर डिमांड करते हो, क्लास 7th वाले क्लास 8th वाले डिमांड करते हो, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाता हूँ, उनकी वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि मैंने तैयारी करी, ठीक है, वो अलग बात है कि फिर मैंने तैयारी छोड़ दी, फिर करी, फिर छोड़ दी, फिर करी। तो अब मेरी जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री की आप बात कर लो, जियोग्राफी की बात कर लो मेरी, इवन 10th तक के बायोलॉजी की बात कर लो आप, तो ये सारी चीज़ें मेरी एकदम स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इन सबको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो बन जाते हैं। और रही बात ये 11th और 12th की, भाई ये तो अपना कोर है, इसे कौन बोल सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, हाँ, टेस्ट का प्रोसीजर मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले देखो आप पढ़ाई अगर कर रहे हो बच्चे, तो आप दो चीज़ें हमेशा याद रखो, दो चीज़ें आप हमेशा याद रखो, क्या क्या। सबसे पहली चीज़ पढ़ाई में होनी चाहिए ऑनेस्टी, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए सिंसियरिटी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर आपसे टेस्ट लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वो स्कूल वाला हाल नहीं करना है। क्या करूँगा कि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का मैं पेपर जो है पर्टिकुलर चैप्टर का, 1 घंटे का टेस्ट होगा जितने का भी हो, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आपको करना क्या है बच्चे, ऑनेस्टली मैं आपसे बता रहा हूँ, ऑनेस्टली देखो आपको कोई भी इवेलुएट करने वाला इस समय नहीं है, मेरी बात ध्यान समझना, आपको कोई भी इवेलुएट करने वाला नहीं है, है ना। जब स्कूल जब ओपन होते थे तो आप स्कूल में जाते थे, वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाता था, तो आपको अपना ट्रैक पता चलता था ना कि अच्छा हाँ मेरा ये ट्रैक ठीक है, ये चीज़ मेरी गड़बड़ है। ठीक है, फिर आप जब कोचिंग में पढ़ने जाते थे तो कोचिंग में भी आपका टेस्ट होता था ना ऐसा, तो वहाँ पर आप अपने आपकी जो एक ट्रैक थी, आप वहाँ पर ट्रैक पर थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना तो स्कूल जा रहे हो ना ही कोचिंग जा रहे हो ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे दो बातें, आप हमेशा ध्यान रखो, पहली चीज़ ऑनेस्टी और सिंसेरिटी। तो अगर मैं आपसे टेस्ट के लिए बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप पीडीएफ तभी डाउनलोड करोगे जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे टेस्ट देने के लिए। आप पीडीएफ तभी डाउनलोड करोगे जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे टेस्ट देने के लिए। और टेस्ट का टाइम कुछ ऐसा सेलेक्ट करना कि उस समय घर में आपको कोई आवाज़ देने वाला ना हो कि ये पिंटू इधर आओ, मिंटू इधर आओ, चिंकू इधर आओ, चिंकी इधर आओ, ऐसा नहीं है ना, कोई आवाज़ देने वाला नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ है ना। और सिंसेयरली और ऑनेस्टली ना, ऑनेस्टी का मतलब क्या है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे देखो कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन को पढ़ते हैं, वो अपनी अपनी है। जैसे कि मान लो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो को फिनिश करके अभी ये वीडियो बनाया, लगभग अभी सुबह के कितने बजने वाले हैं, अभी सुबह के बजने वाले हैं 5:30, ओके, ठीक है। तो वो अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी होती है पढ़ाई की, आप चाहे जब भी पढ़ाई करो कोई मैटर नहीं करता, सुबह पढ़ रहे हो शाम को पढ़ रहे हो ये सब मैटर नहीं करता। ठीक है, देखो तो पहली चीज़ कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, है ना, तो अगर आप उस क्वेश्चन में फंस गया है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको किसी अपने नोट से देख लो, छोड़ दो उस चीज़ को, छोड़ दो। ठीक है, टेस्ट देने के बाद अपने आप को, ठीक है ना, खुद को आप इवेलुएट करोगे अपनी कॉपी चेक करके कि अच्छा मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्या मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं लगाया, समझ रहे हो। देखो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखो, आपकी होश उड़ जाएंगी। तो सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चे, प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस कैसे करने हैं, ऑनेस्टली सिंसियरली, ठीक है, ऑनेस्टली ऑनेस्टी के साथ, ऐसा नहीं कि फंसे तो तुरंत देख लिया हाँ मेरे को आ गया, नहीं, थोड़ा सा रिग्रेट फील करो ना यार, समझ रहे हो, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को अगर छोड़ रहे हो तो थोड़ा सा रिग्रेट फील होना चाहिए। ठीक है, कि अच्छा हाँ मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, ये चीज़ मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वीडियो थोड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो बेसिकली यही आपको बताना था। तो आप टेस्ट के लिए ऐसे प्रिपेयर रहना, मैं जब भी ऐसे एक वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट पेपर जो है अपलोड कर दूंगा, इवन वो फिजिक्स का भी हो सकता है, मैथ्स का भी और केमिस्ट्री का भी, तीनों चीज़ों का आपका होगा, ठीक है ना। और बाकी अदर क्लास के बच्चों के लिए भी अगर आप कमेंट करते हो बच्चे, तो आपके लिए भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो पढ़ाई देखो बच्चे इस तरीके से करनी है, ओके, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और
हाँ पढ़ाई में एक चीज़ हमेशा याद रखना, पढ़ाई कभी सीरियसली नहीं करी जाती, ठीक है। अगर आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हो छोड़ दो, जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप सीरियस है छोड़ दो, तो वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सीरियस होकर के पढ़ाई करो तो छोड़ दो। सीरियस पढ़ाई नहीं करनी, सिंसियर पढ़ाई करो ना। सीरियस का मतलब समझ रहे हो? अरे नहीं और ये क्या सीरियस नहीं, सिंसियर मतलब एक आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, समझ रहे हो। ये नहीं कि 2 दिन ऐसे मस्त पढ़ लिया और 3रे दिन लगे सर छुट्टी मनाने, अरे सर बहुत पढ़ लिया अब तो छुट्टी मनाने का मन करा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई आप सिंसियरली करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यूटी रखो अपनी पढ़ाई में, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो फिलहाल इतनी सारी बातें बतानी थी आपको, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराना था, थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा था, बट अब थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे वीडियो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे तो आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहेगा। तो यही है मेरे बारे में, और भी कई सारी बातें आपको पता चलेंगी जैसे जैसे और वीडियो आएंगी, तो वैसे वैसे आपको और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरा ये प्लान था आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। आपको अपने आपको ट्रैक पर देखना है ना, आप अपना चेक करोगे ना तो ये कैसे करोगे जब तक अपना खुद का इवैल्यूएशन नहीं करोगे। अब आपको कोई देखने वाला तो है नहीं, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।